हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मेरे पास है ओप्पो का ओप्पो ए चौवन मॉडल नंबर है। तो चलिए आज हम इसको हार्ड रिसेट करके दिखाते हैं कि इसको कैसे फ़ोन को अनलॉक करते हैं। फ़ोन लॉक, पैटर्न लॉक, पिन लॉक, कोई भी लॉक हो तो इसको, चलिए सबसे पहले हम इस फ़ोन को कर लेते हैं। एक बार मैंने इसको हार्ड रिसेट कर रखा है, इसलिए हम आपको दूसरी बार भी हार्ड रिसेट करके दिखा रहे हैं। आपका कोई भी लॉक लगा हुआ है, इसको हार्ड रिसेट करना है, लॉक को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे? तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको दिखाते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, स्टेप बाय स्टेप देखें, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी कैसे करना है। घर बैठे आप बगैर कंप्यूटर, बगैर लैपटॉप के कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम आपको बैक साइड दिखा देते हैं। इसका ओप्पो H1 मॉडल नंबर है। मॉडल नंबर इसका जो स्टिकर लगा होता है निकला हुआ है, नहीं तो आपको हम दिखा देते हैं। बाकी आप फ़ोन से समझ ही पा रहे होंगे कि ओप्पो H1 ही है। तो चलिए सबसे पहले वैल्यूम डाउन प्लस वैल्यूम डाउन पावर की को एक साथ प्रेस करके रखेंगे। तो अगर आपका पहली बार में नहीं आ रहा है तो दूसरी बार एक दो बार ट्राई करेंगे तो आपका होगा। तो मैंने एक बार ट्राई किया तो यहाँ से हमारा हो नहीं रहा है। मेरा फ़ोन ऑन हो गया दोबारा से, जिस मोड में था उसी मोड में आ गया। तो मैंने माइनस की जगह प्लस बटन को प्रेस करके रखा था, इसलिए मिस्टेक से हो गया। तो चलिए फिर से एक बार हम इसको स्विच ऑफ करके फिर से आपको दिखाते हैं कैसे होता है इसको। तो वहाँ पे फिर से एक बार मेरा फ़ोन जैसे था वैसे ही आ गया है। तो इसका FRP लॉक हो गया है, तो FRP बाईपास मेरा जो है वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा, इसको आप देख सकते हैं FRP बाईपास भी कैसे करते हैं। तो एक बार हम फोन से फ़ोन को ऑफ कर देते हैं। फ़ोन को ऑफ करने के बाद वैल्यूम डाउन और पावर की को एक साथ प्रेस करके रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे रिकवरी मोड लिखा आ रहा है, जहाँ मेरा अंगूठा है यहाँ पे रिकवरी मोड लिख के आ गया है। तो वैल्यूम डाउन को दबा के रखना है और पावर की को छोड़ देना है। ओप्पो का लोगो ऐसे बन के आएगा, उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज चूज करने को आएगा। तो चलिए हम लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, इस पर इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। इंग्लिश पे क्लिक कर दिया, उसके बाद वैल्यूम डाउन की मदद से वाइपर डाटा पे क्लिक करेंगे। वाइपर डाटा पे पावर की को प्रेस करेंगे, इसके बाद वाइपर डाटा फॉर्मेट डाटा, तो वैल्यूम डाउन से फॉर्मेट डाटा पे क्लिक करेंगे, उसके बाद पावर की को प्रेस करेंगे। पावर की को प्रेस करने के बाद यहाँ पे कोड लिखा आ जाएगा 1413। आपका कोई भी कोड आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए आ गया फॉर्मेट डाटा। तो यहाँ पर हम कैंसिल आ रहा है, एक्सेप्ट आ रहा है, तो हम इसको जहाँ पे रेड वाला है यहाँ पे कर देंगे। तो वहाँ देख सकते हैं आप वाइपर डाटा लिख के आ गया है। तो यहाँ मेरा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आ गया सक्सेसफुली, ओके हो गया। अब मेरा फ़ोन ऑटोमेटिकली जो है स्विच ऑफ हो जाएगा। स्विच ऑफ होके ऑन होगा, रिबूट होगा फ़ोन। तो रिबूट होने के बाद हम इसको, चलिए आपको हम हो जाता है तो इसमें हम आपको FRP बाईपास भी करके दिखाएंगे कि इसका FRP बाईपास कैसे करते हैं। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट का समय लेता है ऑन होने में। तो चलिए यहाँ पे हमारा फ़ोन हो चुका है ऑन। तो अब इसको हम फटाफट से आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, इसको नेक्स्ट करने के बाद फिर यहाँ पे क्लिक कर लेंगे सारे पे। तो उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, यूज़ मोबाइल डाटा पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये हो नहीं रहा है। तो यहाँ कह रहा है कि वाईफाई डाटा से कनेक्ट करें, वाईफाई डाटा से कनेक्ट करेंगे तभी आगे बढ़ेगा। बाकी आप नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो कुछ होगा नहीं यहाँ पे।
तो चलिए हम बैक कर लेते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे हम अपने हॉट स्पॉट से कनेक्ट कर देते हैं। तो हॉट स्पॉट पासवर्ड डालते हैं यहाँ पे। हॉट स्पॉट पासवर्ड डालने के बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि 5 मिनट से ज़्यादा वीडियो बन चुकी है, तो इसलिए हम जो है इसका नेक्स्ट पार्ट जो है FRP बाईपास का वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ।